प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को और की स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि संदेश खाली का दरिंदा शेख जहां पकड़ा गया, तो इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत कुछ। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पश्चिम बंगाल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल माना जाता था, पश्चिम बंगाल पहले रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल माना जाता था, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा तो ऐसे मनाया जाता है जैसे लगता है कि सब लीन हो चुके हैं दुर्गा माँ के चरणों पर, सब लीन हो चुके हैं, सब अपने आप को खो चुके हैं काली माँ के चरणों पर, सब खो चुके हैं सरस्वती माँ के चरणों पर। और जब रियलिटी सामने आती है तब समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वस्त्र उतारने का कार्यक्रम आज से नहीं 2011 से ही चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सत्ता में ही आई है लव जिहाद के प्रमोशन से, रुबानुर रहमान और रिजवानुर रहमान वाले केस से जिसमें लव जिहाद का प्रमोशन हुआ था, और उसके बाद फिर नासिर खान, उसके बाद फिर कामदुनी विक्टिम, उसके बाद सुजर जॉर्डन, उसके बाद फिर 72 साल की नन, उसके बाद फिर कालियागंज हांस खाली, मतलब सीरीज ऑफ रेप इंसिडेंट। इवन कल एक मैटर है मेट्रोपॉलिटन कैलकटा हाई कोर्ट, कैलकटा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन में एक काउंसलर है तृणमूल कांग्रेस का जो मुसलमान है, उसने भी छोटी छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन किया है और अब वो टाइम पिटिशन हाई कोर्ट को दे रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, यहाँ जहां मैं बैठी हुई हूँ उससे 5 मिनट का डिस्टेंस है, एक रोड क्रॉस कीजिएगा, वो मुसलमान काउंसलर जिसने मोलेस्ट किया है छोटी छोटी बच्चियों का उसका घर आपको दिख जाएगा, और वो भी कैलकटा हाईकोर्ट को टाइम पिटिशन दे रहा है कि कल उसको अरेस्ट ना किया जाए। तो मतलब तृणमूल कांग्रेस के अंदर सिर्फ तोलाबाज नहीं है, सिर्फ चोर चोट्टे नहीं है, सिर्फ धोखेबाज नहीं है, सिर्फ औरतों को मिसयूज करना नहीं है, सिर्फ शारदा नारदा चिटफंड रोजवैली चिटफंड नहीं है, कैटल स्मगलिंग नहीं है, सिर्फ कोयला स्मगलिंग नहीं है, आपको पता है मानव प्रचार भी होता है हमारे वेस्ट बंगाल में, मानव इंसान का प्रचार होता है। 13,900 से ज्यादा लड़कियां गायब है। जब मैं संदेश खाली पहुंची थी और मेरी मुलाकात एक महिला से हुई थी तो उसने 2017 की जीडी दिखाई थी मुझे, हालांकि मुझे एंटर नहीं करने दिया गया था, लेकिन उस महिला ने मुझसे मुलाकात की और उसने 2017 की एक जीडी दिखाई जिसमें मिसिंग डायरी थी और वो बच्ची आज तक नहीं मिल रही है। जब उस महिला से मैंने बहुत अच्छे से प्यार से उससे बात किया तब उसने कहा कि इनके लोगों ने ही कंधे पे उठा करके लेकर गए हैं शेख शाहजहां के लोग और आज तक मेरी बेटी को रिटर्न नहीं किया है। क्लास 9 की पढ़ने वाली, क्लास 8 की पढ़ने वाली, क्लास 7 की पढ़ने वाली बेटियों को बेचा गया है। 13,900 बच्चियां गायब हैं, उनको उनकी मानव तस्करी हुई है और करता कौन है? ये तृणमूल कांग्रेस का मुसलमान नेता करता है। और किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं ये आरोप नहीं रख रही हूँ, संदेश खाली इज जस्ट अ क्विंटेसेंशियल एग्जांपल, मैं तो क्विंटेसेंशियल वर्ड ही यूज कर दूंगी, एग्जाम्पल है कि कितने बड़े बड़े बलात्कारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में है। याद होगा कि जब पार्थो चैटर्जी अरेस्ट हुआ था तो उसके घर से सोने का पहाड़, नोट का पहाड़, 5-5 गर्लफ्रेंड के साथ साथ सेक्स टॉय भी ईडी ने सीज किया था, सेक्स टॉय भी ईडी ने सीज किया था। और जब पार्थो चैटर्जी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हेयरिंग के लिए जाता था और उसको पुलिस की गाड़ी से उतार करके लेकर जाया जाता था डॉक पर, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता को हार्ट शेप का इशारा करता था और फ्लाइंग किस का इशारा करता था, और उसकी उम्र आपको पता है कितनी है? 70 से ऊपर, 70 से ऊपर। कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा मैं जो यूज करने जा रही हूं, मैं जानती हूँ कि एस्थेटिकल और क्लासी वर्ड नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बुझता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, और ये सारे बुझते हुए दिए और फड़फड़ाने वाले दिए तृणमूल कांग्रेस में तो भंडार है, भंडार है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिनके घर में अधनंगे कपड़ों में बेटियां रहती हैं, जिन मंत्रियों की जो 2-2 लाख के शैंपियन के बोतल खोलती है और इंस्टाग्राम पे फोटो डालती है, जो बेटियां कुछ नहीं है लेकिन 4-4 गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी के साथ निकलती हैं और पब में पूरी रात पी करके भंड रहती हैं, ऐसे ऐसे लोग, जवान जवान बेटियां, अधनंगे कपड़े वाली बेटियां
रखने के बावजूद ये तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री हमारी मासूम हिंदू बहनों को टारगेट करते हैं। और करता कौन है? ज्यादा से ज्यादा मुसलमान नेता, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान नेता। अब मैं आपको एक और नेता के बारे में, तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता के बारे में मैं बताती हूँ। तृणमूल कांग्रेस का एक एमएलए है जो अशोकनगर नॉर्थ 24 परगना का है, जिसका नाम है नारायण गोस्वामी। संदेश खाली के मामले में जब उसे मीडिया से पूछा गया तो उसने बहुत अच्छे से और खूबसूरत तरीके से जवाब दिया है। हाँ, जो महिला मुंह पे पर्दा लगा करके मीडिया को बाइट दे रही है वो बंगाल की है ही नहीं। तो मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि आपने कैसे समझा कि वो बंगाल की नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि जिस महिला की कमर पतली होती है, छाती छोटी होती है, स्किन जो है वो गोरा होता है, वो बंगालन नहीं हो सकती है। और जो महिलाएं कैमरा के सामने आकर के बोल रही हैं, उनकी कमर पतली है, उनकी छाती छोटी छोटी है और उनके चमड़े गोरे हैं, तो वो बंगालन कैसे हुई? ये तृणमूल कांग्रेस का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नारायण गोस्वामी बोल रहा है, जो अशोक नगर का नॉर्थ 24 परगना का एमएलए, जिसको हम लोग लॉ मेकर भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग एमएलए होते हैं वो लॉ मेकर भी होते हैं। तो लॉ मेकर की जुबान ऐसी अभद्र होती है, ऐसी अभद्र होती है। तो तृणमूल कांग्रेस में चाहे आप बड़े से बड़े नेता को उठाइए, चाहे आप अभिषेक बैनर्जी के इतिहास को दिल्ली में बाराखंबा पुलिस स्टेशन में उठाइए, चाहे आप फरहाद हकीम के चरित्र को उठाइए, चाहे आप किसी के भी चरित्र को और किसी के भी बायोडाटा को उठा लीजिएगा, आपको एक चीज सिमिलर दिखेगी कि जैसे जैसे ये तृणमूल कांग्रेस के नेता अरेस्ट हो रहे हैं, वैसे 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 इनके इनका जो अभद्र चरित्र है वो दुनिया के सामने आ रहा है कि ये सिर्फ स्कैम नहीं करते हैं, ये सिर्फ तोला नहीं उठाते हैं, ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, ये सिर्फ लैंड माफिया बन करके लोगों की, मासूम लोगों की प्रॉपर्टी को ग्रैब नहीं करते हैं, बल्कि जिस घर में कन्या महिलाएं और बेटियां खूबसूरत होती हैं वो भी टारगेटेड होती हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में जो ग्रामीण एरिया के नेता हैं उनमें गायत्री जी एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि वो कहते हैं कि भाई आपका फसल पक गया है, अब आपको मेरे पैर के पास ला करके देना है, और आपकी बेटी अगर जवान हो गई है तो भी आपको मेरे गोद में ला करके दे देना है। ये है तृणमूल कांग्रेस, और आज तक कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। 2015 से मैं चीख रही थी कि भाई तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बैनर्जी जो रोज चिल्ला रही हैं कि भाई बिल्किस बानो, हाय बिल्किस बानो, हाय बिल्किस बानो, हाय बिल्किस बानो, बिल्किस बानो का आरोपी तो 15 दिन के लिए बाहर आया था और फिर जेल चला गया, लेकिन सुजर जॉर्डन का आरोपी तो अय्याशियां कर रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर करके फाइव स्टार होटल में शादी कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर करके अपनी बेटी का बर्थडे कर रहा है, और जिहादन बेहुदा आवारा अश्लील औरत मुसलमान लड़की उस बलात्कारी से शादी की है, उस बलात्कारी से शादी की है मुसलमान लड़की। अब आप सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस में हिंदू मां बेटियों का और क्रिश्चियन मां बेटियों का जेनोसाइड और नरसंहार करने की स्ट्रैटेजी कैसे बनी है। अब मैं आपको कुछ चीजों से मुलाकात करवाना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात चीजें हैं, मैं चाहती हूं कि इसको लोग देखें। ये है संदेश खाली की महिलाएं जिन्होंने हमारी मुख्यमंत्री के लिए बहुत खूबसूरत माला तैयार किया है, और दिखाऊंगी मैं लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये है हमारी बशीरहाट की सांसद जो लव डे, टेरी डे, चड्डी डे, मट्टी डे में काफी व्यस्त रही हैं और संदेश खाली की माँ बहनों के वस्त्र उतारे जाते थे। ये है हमारी बशीरहाट की सांसद नुसरत रूही जहान जैन, और ये है उनके जिगरी दोस्त नासिर खान, जिसने 2012 में क्रिश्चियन औरत का सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया था। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है हमारे बशीरहाट की सांसद नुसरत रूही जहान जैन, और ये है कादिर खान जो अभी बलात्कार के आरोप में 2012 से अरेस्ट है, ये उनकी फियोंसी मंगेतर रहा करती थी, मंगेतर। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है शेख शाहजहां, ये जो अभी अरेस्ट हुआ है और कैसे गुंडे की तरह
जैसे लग रहा था कि पुलिस पुलिस इससे डर रही है, इसको इसको कोर्ट रूम में लेकर जाने के लिए। बॉडी लैंग्वेज वही है इसकी जी। ये है नुसरत रुही जहान जैन। अब आप सोचिए कि हर बार एक इंसिडेंट तो नहीं हो सकता है ना कि नुसरत रुही जहान जैन के आसपास जितने मर्द बैठ रहे हैं वो बलात्कारी ही हूँ। ये इंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। एक बार हो गया तो चलो इंसिडेंट है, पर 500 बार हो गया तो ये तो स्ट्रेटेजी है। फिर ये फिर स्ट्रेटेजी है कि नुसरत रुही जहान जैन को इस स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है ताकि पश्चिम बंगाल में हिंदू माँ बहनों का जेनोसाइड और नरसंहार हो। नुसरत रुही जहान जैन को एक स्ट्रेटेजी दी गई है ताकि पश्चिम बंगाल से क्रिश्चियन चले जाए और रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पेशावरी, लाहौरी, अफगानी, सीरिया, ये सारे लोग पश्चिम बंगाल में रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनकी पार्टी टीएमसी के नेताओं के भी पूरी तरह से पोल खोल के रख दी और उनके कारनामों से पर्दा उठाया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।